गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न स्टैंडर्ड 8 हिंदी पोएम नंबर 1। तेरी है जमीन। कौन सी पोएम है? तेरी है जमीन। ये किसने लिखी है पता नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ पे आपको कवि का नाम दिया नहीं है, जो पोएट्री है उसका नाम नहीं दिया है। तो ये जो है इसका टाइप कौन सा है? कविता। और पोएट्री का नाम नहीं है, सो हमने यहाँ पे नहीं लिखा है। पहले हम पोएम जो है वो रीड करेंगे, उसके बाद एक्सप्लेन होगी, ठीक है? तेरी है जमी तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर, सभी का है तू सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर, तेरी मर्जी से मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सबने ये जिस्म और जहाँ पाए हैं, तू अपनी नज़र हम पर रखना किस हाल में है ये खबर रखना, तेरी है जमी तेरा आसमां, तू चाहे तो हमें रखे तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे सर झुका के खड़े हैं आज हम सारे, और सबसे बड़ी ताकत वाले तू चाहे तो हर आफत टाले, तेरी है जमी तेरा आसमां। भगवान, गॉड, अल्लाह, खुदा, उनको तो आप पहचानते ही हो कि हम सब जो है किसकी रहमत से यहाँ पे है? कि भगवान की, उनकी मेहरबानी की वजह से हम लोग आज यहाँ पे है। तो इस पोएम में कवि ने क्या बताया है, जिसने भी लिखे उसने, कि हे भगवान तेरी कृपा से तेरी रहम दृष्टि से आज हम यहाँ पे है। तेरी है जमी तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर। क्या? तेरी है जमी, मतलब भगवान से बोल रहे कि जमी भी तेरी है, ये जो जमीन है सारी वो भी तेरी है, ये आसमां तेरा आसमां, ये जो पूरा आसमां है वो भी तेरा है, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर। तू बड़ा मेहरबान, सबसे बड़ा मेहरबान कौन है? तू है। तू बख्शिश कर मतलब क्षमा कर। सभी का है तू सभी तेरे, तू सभी का है और सभी किसके है? तेरे है, मतलब कि हमसे अगर कोई भी मिस्टेक हुई है तो सबको तू माफ़ कर दे, सभी लोग तेरे है और तू सभी का है, सबको भरोसा किसके ऊपर है? सिर्फ भगवान के ऊपर। खुदा मेरे तू बख्शिश कर, तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, खुदा मेरे तू बख्शिश कर, हे मारा भगवान, या फिर आप जो कोई भी हो, भगवान हो, गॉड हो, खुदा हो, आप क्या करो? बख्शिश मतलब क्षमा करो, अगर हमसे कोई मिस्टेक हुई है तो उसे भूल जाओ। तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, किसकी मर्जी से हम इस दुनिया में आए हैं? भगवान की मर्जी से। बाकी हमारी मर्जी वहाँ पे चलती है? नहीं चलती है, वो जब चाहे हमें उठा ले, जब चाहे हमें भेज सकता है। तो क्या कि तेरी मर्जी से, जब आपकी मर्जी थी तभी हम यहाँ पे आए हैं आपकी परमिशन से, कि यहाँ पे इस दुनिया में तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जहाँ पाए हैं। तेरी रहमत से, तेरी जब मेहरबानी हमारे ऊपर हुई तब हमने ये जिस्म जहाँ, हमारी जो पूरी बॉडी है वो और हमारे सोल आत्मा मतलब जिस्म और जहाँ हमने पाए हैं, तू अपनी नज़र हम पर रखना किस हाल में है ये खबर रखना। क्या? तू अपनी नज़र हम पर रखना और हम किस हाल में है ये भी खबर रखना। तेरी है जमीन तेरा आसमां। क्या? तेरी है जमीन तेरा आसमां, जमीन भी तेरी है और आसमान भी तेरा है, तू चाहे तो हमें रखे तू चाहे तो हमें मारे। क्या? कि वो अगर चाहता है तो आपको धरती पे रख सकता है, अगर वो चाहता है कि आप मर जाओ तो वो जैसे अपनी मर्जी है वैसे कर सकता है। तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे, तेरे आगे, किसके आगे? तेरे मतलब भगवान के आगे सब लोग क्या करके खड़े हैं? सर झुका के खड़े हैं मतलब प्रे कर रहे, और सबसे बड़ी ताकत वाले तू चाहे तो हर आफत टाले। क्या? और सबसे बड़ी ताकत वाले मतलब पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ताकतवर है उसे क्या बोलते हैं? कि तू चाहे तो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए तू उसे क्या कर सकता है? टाल सकता है, तू उस प्रॉब्लम को मिटा सकता है। तेरी है जमी तेरा आसमां, जमी भी तेरी है और आसमान भी तेरा है। बख्शिश, बख्शिश मतलब उपहार, भेंट या फिर क्षमा करना। मालिक, मालिक मतलब आपने यहाँ पे देखा कि तेरी मर्जी से ए मालिक, मालिक मतलब कि जो बॉस, स्वामी, ईश्वर, जो भी आप लोग समझो। फिर रहमत, रहमत मतलब कृपा, मेहरबा, मेहरबानी करना मतलब कृपालु दयालु। जिस्म, जिस्म मतलब
शरीर, जान, जान मतलब प्राण। समझ में आ गई पोएम? ये हमारी फर्स्ट पोएम थी। कौन सी थी? तेरी है जमीन। इसमें खुदा के बारे में बताया गया था।